देखिए पिछले 2-3 हफ्ते से इस कोविड की सेकेंड वेव में, जो कि काफ़ी एग्रेसिव वेव है सेकेंड वेव, इसमें म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक हमारा नया चैलेंज देखने को मिला है। एसएमएस चूँकि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो पूरे प्रदेश से ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट एसएमएस में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब पास के राज्यों से भी आ रहे हैं। आज की तारीख में करीब हमारे 400 पेशेंट्स हैं। 24/7 हमारी टीम्स ऑपरेट कर रही हैं और 70% पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं जिनका मेडिकल मैनेजमेंट चल रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस 3 स्ट्रक्चर्स को मिलकर अफेक्ट करता है। ये शुरुआत नाकोसाइनसेस से होता है, जब थोड़ा गंभीर होता है तो आइज़ को इन्वॉल्व कर देता है और करीब 10-15% केसेस के अंदर ये ब्रेन को अफेक्ट कर देता है। साथ में जॉ और डेंटल इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो ऐसा हमारे यहाँ पे स्टेटिस्टिकली देखा गया है, करीब 10 से 15% लोगों में डेंटल और जॉ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, करीब 10% लोगों में आइज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और 10% लोगों में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड के अंदर 8 स्पेशलिस्ट इंक्लूडेड हैं। ENT, ऑप्थल्मोलॉजी, डेंटल, सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी एंड फिजिशियन। सो सारा पेशेंट एक ग्रुप ऑफ स्पेशीज के द्वारा एनालाइज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान किया जाता है और 24/7 मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ साथ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन। अभी तक जो म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड ने जो डेटा एनालाइज किया है उसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। 95% लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी। इसका तात्पर्य है कि वो ऑलरेडी नॉन डायबिटिक थे जिन्होंने शुगर को कंट्रोल नहीं किया है, और कुछ नए डायबिटिक्स थे जिनको कोविड के कारण हो गया है। अतः अनकंट्रोल डायबिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पाया गया है। दूसरा, ऑलमोस्ट 70% केसेज में स्टेरॉयड की हिस्ट्री पाई गई है कि जिन्होंने स्टेरॉयड लिया गया है, इसमें से आधे लोगों ने 2 हफ्ते से ज़्यादा स्टेरॉयड लिया है। अतः ये भी पता लग गया कि अगर हम स्टेरॉयड्स को प्रोटोकॉल के तहत गाइडेड वे में, अगर प्लान्ड वे में नहीं लें, तो ये भी कभी कभी इंजूरियस हो सकता है। तीसरा, ऑलमोस्ट 95% पेशेंट जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेट करवा लिया तो उन्होंने दोनों डोज ले लिए, वो काफ़ी प्रोटेक्टेड है। तो आप देखिए 400 में से 95% लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। एक चूँकि नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सेकेंड कोविड वेव ज़्यादा एग्रेसिव है, इसमें थॉम्बो एम्बोलिक फिनोमेना और ब्लड क्लॉट ज़्यादा बन रहे हैं। तो अभी हमारा रिसर्च बोर्ड ने प्रपोज किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लड क्लॉट या फंगस के कारण माइक्रो क्लॉट जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर बन जाएँ और टिश्यू डेथ और नेक्रोसिस होने के कारण वहाँ पर फंगल ग्रोथ हो जाए। तो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट हम सारे पेशेंट्स का एक टिश्यू बायोप्सी भी कर रहे हैं ताकि पता लगे कि ब्लड क्लॉटिंग ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट तो नहीं किया है। अभी तक जो हमारे स्टेटिस्टिकल डेटा सामने निकल कर आए हैं उसमें ये क्लियर हो गया है कि जो लोग जल्दी रिपोर्ट करते हैं उनमें काफ़ी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। अभी करीब 10% पेशेंट्स में हमारे ऑर्बिटल और आई इन्वॉल्वमेंट था, बट हमारे सर्जिकल एक्सपर्ट्स इतने अच्छे हैं कि ऑलमोस्ट सिर्फ 5 पेशेंट में हमको आइज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ा, अदरवाइज 10 पेशेंट्स में उन्होंने आइज़ को बचा लिया। तो कुछ स्टेटिस्टिकल एविडेंसेस हमने को मिलने लगी है। दूसरा, एक आपको जान के बहुत अच्छा भी लगेगा कि हमारे जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं जैसे RUHS और SMS, उसमें 2500 पेशेंट थे, उनमें प्रैक्टिकली एक भी पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस नहीं पाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ कॉर्टिकल स्टोरॅड्स और शुगर कंट्रोल के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। लूमिडीफायर में से वाटर को चेंज किया जाता है। ये जो अधिकतर पेशेंट हमारे यहाँ आए हैं दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से, ये वो हैं जिन्होंने जनरल ये नॉन डॉक्टर से जो क्वैक्स होते हैं, जो आरएमपीज़ होते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लिया है। कईयों ने गूगल पे देख के ट्रीटमेंट लिया है, कईयों ने व्हाट्सअप देख के ट्रीटमेंट लिया है, कईयों ने केमिस्ट से पूछ के अपना ट्रीटमेंट स्वयं ही किया है। तो मोर देन 60% पेशेंट यहाँ वो है जिन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आया है।